हाउ टू ग्रो योर डेड चैनल इन टू स्टेप्स ओनली। हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है भाई, एक नहीं दो तीन चैनल्स पर मैंने लगातार 1.5 साल तक मैंने न जाने कितने वीडियोस डाले होंगे भाई। सब चैनल्स डेड थे, इवन अभी भी हैं। लेकिन जैसे मुझे एक सिंपल सी चीज के बारे में पता लगा, मैंने एक नया चैनल बनाया एंड लिटरली 3 दिन में उस पर ऑर्गेनिकली ग्रोथ होने लग गई थी। एंड आज सिर्फ कुछ ही दिनों में इट हैज मोर देन 30,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि काफी एक्टिव भी हैं। तो ट्रस्ट मी जब मैं कहता हूँ आई नो कैसे एक चैनल डेड होता है और कैसे उसे सही करा जाए एंड कैसे तुम एक डेड ऑडियंस से एक्टिव ऑडियंस पा सकते हो। एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू ग्रो योर डेड चैनल इन 2 स्टेप्स ओनली। ओके, इसका सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि डेड चैनल को कैसे ग्रो करें, लेकिन कुछ बातें हैं एंड टू बी ऑनेस्ट इनके बिना वो सॉल्यूशन किसी भी काम का नहीं है। तो सबसे पहले इन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं एंड लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू ग्रो अ डेड चैनल ऑन यूट्यूब। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई योर चैनल वेंट डेड, मतलब तुम्हारा चैनल डेड हुआ ही क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इनएक्टिव है, बट इनएक्टिव भी क्यों है? अरे क्रिटिक यार, यूट्यूब उन्हें नोटिफिकेशन नहीं भेजता ना ही वीडियो दिखाता है, इनएक्टिव तो होंगे ही ना यार। अच्छा, तो YouTube उन्हें वीडियो क्यों नहीं दिखाता है? बिकॉज सिंपली उन वीडियोस का CTR और वॉच टाइम कम होगा। पर अगेन, CTR और वॉच टाइम कम होगा क्यों? एंड यहाँ हम आ गए हैं एक डेड चैनल की कोर प्रॉब्लम पर। YouTube उन्हें तुम्हारी कोई नई वीडियो नहीं दिखाता है, बिकॉज पास्ट में जब YouTube ने उन्हें तुम्हारी वीडियो दिखाई थी तो या तो उन्होंने वीडियो पर क्लिक ही नहीं करा, हेंस लो CTR, और अगर क्लिक करा भी तो पूरा नहीं देखा, हेंस लो वॉच टाइम। मेन प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर कॉन्टेंट, हेंस तुम्हारा चैनल डेड हो गया है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा उन्हें तुम्हारे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं है। अरे भाई यार, वो वीडियो नहीं देखते मतलब नहीं पसंद ना उन्हें? नहीं भाई, इसे ऐसे समझो, मान लो मेरे सामने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वीडियो आती है। अब भाई ऐसा थोड़ी है मुझे वो पसंद नहीं, यार वीडियो अच्छी भी हो सकती है बट द थिंग इज मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, पर उसका मतलब ये थोड़ी है आई डोंट लाइक इट कि वो वीडियो बेकार है। मे बी अच्छी हो या मे बी ना भी हो, बट मेरे इंटरेस्ट से बाहर होने का मतलब बेकार होना थोड़ी होगा। यही पॉइंट तुम्हें समझना है, हो सकता है तुम्हारे वीडियोस बढ़िया हो बट यू आर हैविंग द रॉन्ग ऑडियंस। रॉन्ग ऑडियंस मतलब अगर तुम डॉग वीडियोस बनाते हो लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को उसमें इंटरेस्ट, छोड़ो डॉग से चिढ़ होती है, बस ऐसे तो चल गया तुम्हारा चैनल, वो देखेंगे नहीं यार तुम्हारी वीडियो और यूट्यूब को लगेगा वीडियो बेकार है, जबकि मे बी द प्रॉब्लम इज द रॉन्ग ऑडियंस। इन शॉर्ट, उनका इंटरेस्ट और तुम्हारी वीडियो नीश मैच नहीं करते हैं। एंड अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है एंड वो मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताऊंगा, दैट हाउ टू गेट द राइट ऑडियंस। बट अभी बात करते हैं पता कैसे करे तुम्हारा चैनल डेड है भी या फिर नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि YouTube किसी चैनल को ऑफिशियली डेड कह देता है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जहां यू कॉल अ चैनल डेड जब उसके सब्सक्राइबर्स तो कई सारे हैं बट व्यूज नहीं आ रहे होते या उसकी ग्रोथ नहीं होती, दैट्स व्हेन यू कॉल अ चैनल डेड। बट प्रॉब्लम वही है, पता कैसे करे कि कौन सा चैनल डेड है और कौन सा नहीं। जैसे मुझे एक DM आया था कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो 4,000 से ज्यादा हैं बट व्यूज सिर्फ 200 से 300 आते हैं, तो क्या मेरा चैनल डेड है? बढ़िया क्वेश्चन है यार, हैंस इसके बारे में बात करते हैं फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। भाई इसका आंसर ना बहुत ही सिंपल है, बट या तो तुमने मेरी टोटल गेमिंग एनालिसिस वाली वीडियो देखी नहीं या समझी नहीं। उसमें मैंने क्लियरली बताया था तुम सब्सक्राइबर्स को एक सेकंड के लिए भूल जाओ एंड लेट्स ओनली टॉक अबाउट योर एवरेज व्यूज। तो 4,000 सब्सक्राइबर्स तो गए भाड़ में, हम बात करते हैं एवरेज व्यूज के बारे में जो कि 200 से 300 हैं। अब एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी हर वीडियो पर सिर्फ 200 से 300 व्यूज नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी हर वीडियो को 200 से 300 लोग देख रहे हैं। भाई पता है क्या कितना बड़ा नंबर है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो कि तुम्हें वायरल करवा सकती है। स्टिल अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम कुछ और है। सो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, हाउ टू ग्रो योर डेड चैनल इन 2 स्टेप्स ओनली। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया, रॉन्ग ऑडियंस होना इज रीजन नंबर 1 कि तुम्हारा चैनल डेड हो गया है। रीजन नंबर 2 इज नॉट सो गुड कॉन्टेंट, एंड टू बी ऑनेस्ट 99% केसेस में रीजन यही होता है। मैंने इतने चैनल्स को देखा है, ना तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करा है, ना ही उन्हें पता है कि उनको कौन देख रहा है, उन्हें थंबनेल तक नहीं बनाने आते, टाइटल उल्टा सीधा लिखा है एंड कॉन्टेंट में भी बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। तो
ऐसे में तुम टॉपिक कुछ भी डाल दो, ऑडियंस नहीं आएगी मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, रॉन्ग ऑडियंस या फिर नॉट सो गुड कॉन्टेंट। अब चलते हैं अपने स्टेप टू पर, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, सो पहले बात करते हैं नॉट सो गुड कॉन्टेंट की। तो मैं सही बताऊ ना, तो सबको अपना कॉन्टेंट बेस्ट ही लगता है। मुझे भी लगता था जब मैं अपने डेड चैनल्स पर वीडियो डालता था, मैं सोचता था यार YouTube मुझे प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है, वीडियो तो बेस्ट है ना ये। बट आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे पता है कि वो वीडियोस बेस्ट नहीं थी, उनमें उतनी वैल्यू नहीं थी। एंड जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने वैल्यूएबल वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जो कि मार्केट में नए थे, एंड इन जस्ट 3 डेज क्रिटिक चैनल की ग्रोथ होने लग गई। एंड आज कुछ ही महीनों में उस पर 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इट इज ग्रोइंग इनसेनली। एंड भाई ऐसा मत समझना कि तुम्हें पता चल गया तो तुम 3 ही दिन में चैनल चला लोगे, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तुम्हें अपनी हर वीडियो के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाना है, एंड फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी वीडियो इतनी अच्छी होगी कि यूट्यूब उसे खुद ब खुद ऑर्गेनिकली ग्रो करवाने लग जाएगा। तो मानो ना मानो 99% केसेस में कंटेंट ही उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे में मे बी तुम दूसरे टाइप के वीडियोस बनाओ, अभी रोस्ट बनाते हो तो मे बी कॉमेडी ट्राई करो, मे बी टेक बर्नर के जैसे दो जॉनरा को मिक्स करके एक नया जॉनरा बनाओ, ट्राई समथिंग न्यू, क्या पता तुम्हें कुछ और अच्छे से करना आता हो। एंड हर वीडियो के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। मैं सही बता रहा हूँ, इस चैनल पर सब आने वाला है, थंबनेल कैसे बढ़िया बनाए, टाइटल कैसे बढ़िया बनाए, एसईओ, एल्गोरिथम, वॉइस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सब कुछ जो कि एक यूट्यूबर के लिए जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें रॉन्ग ऑडियंस का सॉल्यूशन बताऊं, एक चीज समझो, मैं तो तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें सही में अपना चैनल चलाना है तो सिर्फ वीडियोस को देखो मत, उनके नोट्स बनाओ। यार ट्रस्ट मी, ऐसे वीडियोस हजारों के कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे यार तुम्हें, एंड ये सब मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूं, तो वैल्यू कम मत समझो भाई। प्रॉपर नोट्स बनाओ इनके, एक कॉपी खरीदो और उसमें हर वीडियो के नोट्स बनाओ, और फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हो ताकि मुझे पता चले कि तुमने ऐसा किया है। क्योंकि जब तक प्रॉपर नोट्स बनाकर एफर्ट डालकर अप्लाई नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है इन वीडियोस का, बस सुनोगे और भूल जाओगे। तो अब तुम्हारी मर्जी है, चैनल चलाना है या बस अपने आप को धोखा देना है। बाकी अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन, द रॉन्ग ऑडियंस। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, मान लो तुम अभी डॉग्स की वीडियोस बनाते हो, बट तुम्हारी ऑडियंस को डॉग्स नहीं कैट वाली वीडियोस पसंद है, तो सिंपली अब तुम कैट्स की वीडियो बनाने लग जाओ और वो देखने लग जाएंगे, सिंपल। बट भाई पता कैसे करें उन्हें डॉग्स में इंटरेस्ट है या कैट में? हाँ सही क्वेश्चन है भाई, एंड इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। बट मान लो तुम्हें तो डॉग्स के बारे में ही नॉलेज है, तो तुम्हें तो बस वही बनाना है, अब क्या? तो अगर तो तुम्हें बिल्कुल ना के बराबर व्यूज आते हैं, तो नया चैनल बना लो एंड उस पर ये 2 वीडियोस अप्लाई करो। बट अगर कुछ व्यूज ऑलरेडी आ रहे हैं, तो भाई ये तुम्हारा डिसीजन है, यूट्यूब तो अपनी तरफ से कहता है कि कुछ ना से कुछ सही। मतलब मान लो कि तुम्हारे 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं पर व्यूज सिर्फ 500, लेकिन एटलीस्ट 500 व्यूज तो आ रहे हैं ना भाई, नए चैनल से तो बेटर ही है ना वो। सो यहाँ डिसीजन तुम्हारा है कि नया चैनल बनाना है या उसी पर फोकस करना है। हाँ अगर तुम्हारी जगह मैं होता, मतलब कि 100,000 सब्सक्राइबर्स लेकिन व्यूज सिर्फ 500, तो ऐसे में मैं उस चैनल को चलने देता और नया चैनल बनाकर उस पर कुछ नया ट्राई करता। बाकी अगर दोबारा अपना चैनल डेड करवाने से बचना है, तो पहले ये वीडियो देखो, इसमें मैंने बताया कि रॉन्ग ऑडियंस को आने से कैसे रोकना है, और फिर ये वीडियो देखो, इसमें मैंने बताया कि तुम्हें अपने पहले 100 एक्टिव सब्सक्राइबर्स कैसे मिलने वाले हैं, जिन्हें तुम्हारी वीडियोस में सही में इंटरेस्ट होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कंटेंट बढ़िया है तो 100 लोग तुम्हारी ग्रोथ के लिए काफी हैं। एंड अगर इतने लोग होने के बाद भी अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है, देन माय फ्रेंड दोबारा स्टेप 1 पर जाओ, दैट इज इंप्रूव योर कंटेंट।